Hello everyone, I am Anuraj Sharma and welcome to my class. In our previous lecture, we have completed the lectures of polynomials, okay? Now we are going to solve the exercises. And in this lecture, we will discuss the question number 1 of exercise 2.1, okay? Now the question is, you have given the graph of polynomial y equal to px are given in the following figures. इन सारे फिगर्स में जो पॉलीनोमियल आपका दिया हुआ उसका जो ग्राफ है पॉलीनोमियल दैट इज़ y इक्वल्स टू पी एक्स. पी एक्स मतलब कोई पॉलीनोमियल ले रहे हैं हम, ठीक है, एंड वेरिएबल इज x. x में कोई पर्टिकुलर पॉलीनोमियल है उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया. देन आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ यू विल गेट द फॉलोइंग ग्राफ. ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एक्स इन ईच केस. अब जितने सारे केसेस यहाँ पे अवेलेबल है इन सारे केसेस में आपको इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पी एक्स का कितना ज़ीरो होगा, दैट मीन्स कितने इसके रूट्स होंगे, ठीक है, वो फाइंड करना है. सबसे पहली बात, कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अगर रूट की बात करें तो रूट आप कैसे लेते हो, एक्स की जो वैल्यू होगी. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देन नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स एट विच एक्स एक्सिस इंटरसेक्टेड. मतलब जिसमें आपका फंक्शन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं ऐसे वाई इक्वल्स टू पी एक्स की वैल्यू दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री. क्लियर, तो यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म से आप पता कर सकते हो दो रूट्स होंगे. मींस कहीं ना कहीं अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दो जगह पे कट करेगा, ऐसे हो, ठीक है, मतलब ये वन टाइम्स टू टाइम्स है. अब जिसमें वेरिएबल होगा उसी पे कट करना चाहिए. ओके, अगर मान लो मैं वेरिएबल एक्स में है, अगर मैं ऐसा किया कुछ इट इज़ गिवन है वाई, यहाँ y पे कट कर रहा है बट वेरिएबल किस में है, x में, तो इस केस में इसके जीरोस नहीं होंगे. दैट मीन्स दैट वेरिएबल इज गिवन, वेरिएबल अभी दो ही में होगा, या तो x में या तो y में. जनरली आपके सिलेबस में x में पूछा हुआ, ओके, तो इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x में. तो सारे के सारे जो ग्राफ्स दिए हैं इसमें दिस ऑल आर इन द x वेरिएबल. ओके, इन सारे केसेस में रूट्स देखने हैं. चलो देखते हैं, ठीक है, ये रहे आपके ऑल सिक्स ग्राफ्स जिस रहे हैं. फर्स्ट में देखो क्या है, फर्स्ट में जो लाइन है यहाँ पे, तो इन सारे के सारे केस में एक चीज़ याद रखना दैट ग्राफ शुड इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरो और रूट्स. यहाँ एक्स एक्सिस कौन सा है, सिंपली आपको ये देखना है. ओके, सिंपली यू हैव टू सी दैट एक्स एंड एक्स डैश. एक्स पे देखो कहीं पे कट कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, सो इट विल हैव, सो इट विल हैव नो जीरो. क्यों नहीं होगा भाई, रीजन लिख दोगे, एक्स एक्सिस पे कट ही कहीं पे नहीं कर रहा था. फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, नो जीरोस. क्लियर, नाउ मूव ऑन द सेकेंड ग्राफ, दैट इज इन दिस केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल कन्फ्यूज. कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे जो आपका कट कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, दो जगह पे, दैट मीन्स वन टाइम्स है और वन टाइम्स है. लेकिन हमें चाहिए कौन सा पॉलीनोमियल आपका किस में है, एक्स में. मतलब एक्स पे जितनी बार कट करेगा दैट विल बी द नंबर ऑफ रूट्स. अब एक्स पे देखो कितनी बार कट कर रहा है यहाँ पे, ये तो वाई पे है तो इसको लेंगे नहीं, तो एट एक्स ओनली वन टाइम्स इट इज़ कटिंग एट. यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, सो इट विल हैव हैव वन ज़ीरो. क्लियर, अब आगे देखो इसमें ये कुछ एरो का दे सकते हो आप, एक्स डैश एंड एक्स एज वेल.
अब यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे टोटल इंटरसेक्ट कर रहा है ये 4 टाइम्स। अब इसमें से एक्स वाला कौन है, तो एक्स वाला कैसे समझोगे, तो एक ये है एक्स पे, सीधे चलते जाओ, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली थर्ड में, एक्स पे कितना जगह कट कर रहा है, 3 जगह, यू विल गेट हेयर गिवन ग्राफ विल हैव 3 जीरोस। क्लियर, यहाँ 3 जीरोज हो गए इसके। नाउ इन द नेक्स्ट वन, यहाँ इट इज़ कटिंग ऑन 2 प्लेसेज एंड बोथ आर ऑन द एक्स एक्सिस, दोनों को दोनों इसमें क्या है एक्स पे ही है, ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इट इज कटिंग ऑन द एक्स एक्सिस 2 टाइम्स, सो यू विल राइट गिवन ग्राफ हैव, ठीक है, विल हैव हाउ मेनी जीरोज, 2 जीरोज। क्लियर, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहले देखो कट कितना जगह कैंसिल आउट हो रहा है, कट कर रहा है ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, बट इन ऑल दी केसेस यू हैव टेक द ओनली दैट वैल्यू दैट इज कटिंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स पे कौन कौन सा कट कर रहा है भाई, देखो यहाँ पे ये 4 वैल्यूज हैं सिर्फ, मीन्स इसके रूट्स कितने, जीरोज कितने हो जाएंगे 4। सो यू विल राइट हियर गिवन ग्राफ, सो गिवन ग्राफ विल हैव हम 4 जीरो। क्लियर, इसमें कितने होंगे आपके 4, और लास्ट में क्या है देखो ध्यान से, इसमें वही करना है कुछ नहीं, कहाँ पे एक्स पे कितना जगह कट करा ध्यान से देखो, 1 2 3 टाइम्स, वाई वाले लोगे नहीं आप, तो अब ध्यान से देखना इसका मतलब भी कट करना होगा, ठीक है, तो इसको जनरली अगर ग्राफ ऐसा छू के निकल जाए आपका, तो हम उसको बोलते हैं टच करना सिर्फ एक पॉइंट, ओके, तो टच करने की बात मीन्स कटिंग एट 1 पॉइंट ओनली, और अगर ये ऐसे निकलता है तो यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ, तो कट करना और टच करने का मीनिंग समझ गया, जिसमें ध्यान देखोगे तो एक्स वाला जो टर्म है यहाँ पे आपका इज ऑल आर 3, तो यू विल गेट टोटल 3 इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, सो इट विल हैव 3 जीरोज, सो गिवन ग्राफ विल हैव 3 जीरो। ओके, ये सारे के सारे केस के लिए, दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इन दिस एक्सरसाइज देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन था जो सारे के सारे रिलेटेड थे आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलीनोमियल, एंड हमने सारे डिस्कस कर लिए, ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओके, थैंक यू वेरी मच।